हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर संदीप प्रेमी। आज हम बात कर रहे हैं वायरस से होने वाली बीमारियों की, जिसमें हम एक मुख्यतः नाम सुन रहे हैं आजकल, जीका वायरस। जी हाँ, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अभी गर्मियों से सर्दियों का मौसम आने वाला है, बारिश का मौसम अभी निकला ही है, तो इस सीजन में वायरस से होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और जो मौसमी जो वायरल चल रहा है उसके साथ में एक नया नाम जुड़ गया है, जीका, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम जीका जो वायरस है, जीका जो प्रॉब्लम है, उसी के बारे में बात करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीका वायरस क्या है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो इससे फैलाती हैं, इसका हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, इसका जनरल ट्रीटमेंट क्या है और होम्योपैथी में इसका क्या उपचार है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जीका जो है वो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, जिसको हम जीका वायरस कहते हैं। ये जो वायरस है मुख्यतः युगांडा में पाया जाता है, और इसका जीका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये युगांडा के जंगलों से फैली है, जिसका नाम था जीका। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है। तो ये मच्छरों से आपको फैल सकती है, इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन से उसके होने वाले बच्चे को ये हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये फैल सकती है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित व्यक्ति का अगर खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उसे ये बीमारी फैल सकती है। अब हम इनके बारे में वन बाई वन बात करेंगे कि ये किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जो हमने बताया था, ये मच्छरों से फैलती है। तो दो तरह के मच्छर हैं, एडीज एजप्टाई और एजिट एल्बो पिक्टाइंस। ये दो मच्छर हैं, ये वही मच्छर हैं जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। यही मच्छर जो है वो जीका वायरस को भी फैलाते हैं। ये जो मच्छर हैं वो दिन में ही काटते हैं, रात को नहीं काटते हैं। तो सबसे पहले हमें मच्छरों से बचाव करना पड़ेगा। दूसरा जो हमने बताया कि ये इन्फेक्टेड जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है, तो उसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है बच्चे का वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, और उसका ब्रेन का जो साइज है वो छोटा ही रह जाता है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइक्रोसिफेली कहते हैं। और इस वायरस की वजह से जो है वो अबॉर्शन हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, जिसको हम स्टिल बर्थ कहते हैं, और उसको बहुत सारी जन्मजात विकृतियां भी हो सकती हैं, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी बच्चे को हो सकती है। तीसरा जो हमने कारण बताया था इसके फैलने का, वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन बताया था। अगर इन्फेक्टेड पर्सन अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये बीमारी जीका वायरस की प्रॉब्लम उसे हो सकती है। इसमें मुख्य बात ये है कि ये जो वायरस है वो ब्लड से ज़्यादा वीर्य सीमन में ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो चौथा जो कारण हमने बताया था वो था ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जाए तो भी उसे ये बीमारी जीका वायरस की हो सकती है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अभी तक जो जीका वायरस का वैक्सीन है वो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, दो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हैं बुखार को कम करने के लिए, एसिटोमायोपेन और पैरासीटामोल। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एस्पिरिन और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें आइब्रोप्रोफेन आती है, वो आपको नहीं लेनी है, जब तक कि आप ये रूल आउट ना कर लें कि आपको डेंगू तो नहीं है। अगर आप डेंगू होने के बाद में इन दवाइयों को लेते हैं तो आपके ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें ये रूल आउट करना पड़ेगा कि डेंगू तो नहीं है। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दें, एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें कि हमारे जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना है। अगर आप इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं तो क्या करना चाहिए। तो जो शुरू के 7 दिन हैं उसमें ब्लड में ये वायरस रहता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने प्रियजनों को, आपके रिलेटिव्स को ये प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको मच्छरों से दूर रहना है। अगर आपको काटेगा तो वो इस बीमारी को दूसरे लोगों को फैला सकता है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी है कि आपको कोई मच्छर नहीं काटे। इस बीमारी से बचना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसा हम आप लोगों को बताते रहते हैं डेंगू, चिकनगुनिया और अदर वायरल बुखारों से बचने के लिए, वही आपको इसमें करना है। आपको मच्छर पैदा नहीं होने देने हैं। आपके आसपास में आपको गंदगी, जमा पानी नहीं रखना है। अगर आपके घर के आसपास में जंगली पौधे या झाड़ियां हैं तो उन्हें काट दें। घर के आसपास या छत पे पड़े हुए जो पुराने टायर हैं
बोतलों के ढक्कन हैं, गमले हैं जिनमें पानी भरा हुआ है बहुत दिनों से, अगर कूलर हैं, पानी की टंकियां हैं, या फिर पक्षियों को पीने के लिए जो आपने बर्तन परिंदे रखे हुए हैं उनमें बहुत दिनों से जमा पानी है, तो उन पानी को बदलते रहिए और अननेसेसरी जो पानी ठहरा हुआ है उसको आप हटा दें। आप लाइट कलर के कपड़े पहने, अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो मच्छरों को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और जो फुल बाजू है जो आपके शरीर को पूरा ढक सके इस तरह के कपड़े पहने। घर के अंदर जाली लगा के रखें और मॉस्किटो जो नेट होता है उसमें ही सोएं। तो ये बहुत आसान है जो हमें अलग अलग तरह के जो वायरस से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचा सकता है, जिसमें हमारा डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस और अलग और भी मौसमी बीमारियां हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी के जो जीका वायरस है उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसा कि हमने प्रेग्नेंट वुमन से होने वाली बच्चे को जो प्रॉब्लम है जो माइक्रोसिफेली उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा जीका वायरस से गुलन बेरी सिंड्रोम आपको हो सकता है, न्यूरोपैथी और माइलाइटिस आपको हो सकता है। अब हम जीका वायरस के होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है जिससे भी वायरस से होने वाली प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, उनको ठीक करने में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस और अन्य तरह की मौसमी बीमारियों में भी होम्योपैथी मेडिसिन से बहुत अच्छे से उपचार होता है। तो जो सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बेलेडोना। बेलेडोना फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है। जब आपको बुखार आता है तो आप बेलेडोना 30 पोटेंसी कि 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको रैशेज हो गए हैं, रेड कलर के रैशेज हो गए हैं शरीर पे, तो आप सल्फर 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में सूजन आ गई है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आप यूफेटोरियम पर्फ 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको आंखों में लालपन आ गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में दर्द रहता है, आंखों में से पानी आता है, यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको पानी की प्यास नहीं लगती है, आपका गला सूखा रहता है, अगर आपको भूख कम लगती है, तो आप ब्राइनिया 30 दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको जीका वायरस की वजह से या फिर अन्य मौसमी बीमारियां या वायरल फीवर की वजह से डलनेस, डीजीनेस और ड्राउजीनेस रहती है, तो आप जेलसीमियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं। आप इन सभी मेडिसिन का बहुत ही सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं, इनका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है और ये आपको 100% क्योर देगा किसी भी तरह की वायरल से होने वाली प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।